नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट एकेडमी पर। दोस्तों, हम आज वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो वर्गमूल को हम किस प्रकार निकालते हैं और ये परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, SSC हो या RRB हो या UPTET हो या CTET हो, हर प्रकार की परीक्षा में ये अक्सर सवाल इसका पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आज कैसे निकालते हैं वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। जैसे मान लो 625 या 81 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो दोस्तों, हमें इसमें जानना जरूरी है, एक तो होता है वर्ग वर्ग और एक होता है वर्गमूल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे किसी भी संख्या का वर्ग ये हो गया, किसी भी संख्या का वर्गमूल ये हो गया। यानी कि जैसे 2 का वर्ग हो गया 4, और वर्गमूल जैसे 2 का वर्गमूल निकालना है तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो देखते हैं, ये हमें जानना जरूरी है कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन पैदा होता है कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है। तो देखते हैं, मान लो 625 है। अब 625 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे 625 हो गया, 625 को हम तोड़ लेंगे, यानी 2 3 6, 2 1 2, और सॉरी 5 का जाएगा इसमें, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 से देंगे, 5 2 10 और 5 5 25, 5 5 25, यानी कितना हो गया, जैसे रूट ये हो गया तुम्हारा 5 × 5 × 5 × 5। अब क्या करेंगे, वर्गमूल का मतलब दो दो के हमें पेयर बनाने हैं, तो दो दो के हम पेयर बना लेंगे। तो इनमें से एक को बाहर निकाल लेंगे, जैसे 5, इसका 5 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25। यानी 625 का जो वर्गमूल था वो हमारा कितना है 25। तो देखते हैं इसी प्रकार अगली संख्या का देखते हैं। जैसे मान लो कि हमें निकालना है 81 का, 81 का हमें निकालना है, तो करेंगे 81 यानी 81 81 81 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आगे की और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हम बताएंगे आपको, वीडियो नई नई वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए, 81 का हम कैसे निकालेंगे। जैसे 81 हो गया, 81 के भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड। तो 81 के कैसे करेंगे, 81 3 2 6 और कितना बचा, 2 3 7 21। फिर कितना लेंगे, 3, तो 3 3 27, फिर 3, फिर 3, तो कितना आ गया इसका। जैसे अब इसके हमने गुणनखंड किए, तो ये आ गया हमारा 3 × 3 × 3 × 3। हमने बोला था आपको दो के दे पेयर बनाने हैं, आपको दो का पेयर बनाना है, ये बना लिया। तो एक 3 को हम इसमें से बाहर ले लेंगे और एक 3 को हम इसमें से बाहर ले लेंगे, तो कितना बच्चा कितना हुआ इसका, 3 3 9, यानी इसका जो वर्गमूल है कितना आएगा, 9 वर्गमूल आएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार जैसे और भी कई क्वेश्चन होते हैं, आप उन उस प्रकार के प्रश्नों को आप निकालें, तो मैं आपको प्रश्न देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो जैसे अब ले लो 125, ये आपको निकालना है, ठीक है, 125 हो गया, ये आपको निकालना है, और √1296 हो गया, ये आपको निकालना है। इसकी भाग विधि दूसरी और लेके आएंगे हम, जैसे कि और भी जैसे लेंदी क्वेश्चन होते हैं, 3 3 4 4 डिजिट के या 5 5 डिजिट के होते हैं, तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते रहिए, और एक बार जरूर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद।